ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड था, व्हाट डू मीन प्रोपोजिशन, लॉजिक, ट्रुथ वेरिएबल्स, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, सबको डिस्कस किया था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डिस्कस करें लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्लियर, लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज टू कंबाइन वन। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम यूज करते हैं दो या दो से अधिक प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो मीन सपोज एक प्रोपोजिशन, यहाँ पे हमने जो टेबल डिस्कस की, यहाँ पे देयर आर निगेशन, फर्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिव सिंबल है निगेशन, इसे नॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट सिंबल है ये, इसे कंजंक्शन एंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट दिस सिंबल को हम डिसजंक्शन और भी बोलते हैं। नेक्स्ट दिस सिंबल, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज कंडीशनल स्टेटमेंट, जनरली इसे बोलते हैं इफ पी देन क्यू। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, मीन्स इफ एंड ओनली इफ। ओके, सो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव, दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू। ओके, इनके लिए हमने आप इनकी ट्रुथ वैल्यूज डिफाइन की हुई है। तो अगर सपोज ये नंबर ऑफ जो ट्रुथ वैल्यूज हैं, मीन्स जो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रोज होंगी, वो डिपेंड करेंगे नंबर जितने भी, टू टू पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोपोजिशन टू थे, तो टू टू पावर टू दैट इज फोर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज फोर, वन टू थ्री एंड फोर। ओके, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल जो हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड की, उनकी ट्रुथ वैल्यूज है। फर्स्ट एफ एफ, एफ टी, टी एफ, टी एंड टी टी। ओके, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। ओके, एफ को जनरली अगर बात करें जीरो से प्रेजेंट करते हैं, जो ट्रुथ वैल्यू टी होती है उसको वन से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव टर्म था नेगेशन। ओके, प्रोपोजिशन पी है, इसका नेगेशन फाइंड आउट किया हुआ है, पी की ओरिजिनल वैल्यू एफ थी, तो इसका नेगेशन टी, मीन्स जहाँ पे एफ है वहाँ पे टी हो जाएगा, जहाँ पे टी है वहाँ पे एफ हो जाएगा। ओके, टू टेबल, इसमें टेबल देखते हैं, एफ था तो टी हो गया, एफ था तो टी हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रुथ वैल्यू जो ट्रू है तो उसका फॉल्स हो गया। ओके, सो दिस इज लॉजिकल कनेक्टिव नेगेशन। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू से एंड ऑपरेशन भी बोलते हैं, पी कंजंक्शन क्यू। ओके, मीन्स दीज आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड दीज आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ क्यू। ओके, पी एंड क्यू, जैसे मैंने बताया था पी एफ को हम जीरो भी, अपने समझने के लिए जीरो भी कह सकते हैं। तो एफ एफ अगर है तो कंजंक्शन में वैल्यू जो ट्रुथ वैल्यू आएगी पी एंड पी कंजंक्शन क्यू क्या आएगा एफ। ओके, यहाँ भी एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो कंजेक्शन केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, जैसा कि हम ट्रू टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू के केस में अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। ओके, अगर जो ट्रुथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स का गिवन है, स्टेटमेंट्स का गिवन है, अगर उसमें सिंगल वैल्यू जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, यहाँ पर दोनों वैल्यू फॉल्स थी तो रिजल्ट क्या आया फॉल्स, यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, यहाँ पर भी एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट आया ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट पी कंडीशनल क्यू, इसे पी इम्प्लाइज क्यू भी पढ़ते हैं, इफ पी देन क्यू, इसे पढ़ाते जनरली इफ पी देन क्यू। ओके, इस केस में क्या, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज सेम है, जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स गिवन है या प्रोपोजिशंस गिवन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए दोनों एफ एफ है, यहाँ पे दोनों टी है, मीन दोनों ट्रुथ वैल्यूज सेम है तो रिजल्ट आया ट्रू। ओके, यहाँ पर भी ट्रू आ गया और यहाँ पर भी ट्रू आ गया। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में क्या करते हैं, जो एरो दिया हुआ उसके बाद जो वेरिएबल लिखा हुआ है उन वैल्यूज को कॉपी कर लेते, जैसे क्यू है यहाँ पे एरो के बाद में, क्यू में यहाँ पे क्या था टी, तुमने टी कॉपी कर लिया, एफ था यहाँ पे एफ कॉपी कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्यू डबल एम्प्लाइज पी बी या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं इन्हें, जल्दी इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ओके, यहाँ पे क्या, जो प्रोपोजिशंस हैं अगर उनके दोनों वैल्यूज, जो प्रोपोजिशन वेरिएबल्स हैं उनकी या प्रोपोजिशंस हैं उनकी अगर दोनों वैल्यूज जो ट्रुथ वैल्यूज अगर ट्रू हैं, मीन्स ट्रू तो नहीं लेकिन अगर सेम है। ओके, यहाँ पर भी क्या दोनों वैल्यू सेम है, दोनों की एफ एफ है, यहाँ दोनों की टी है, तो उस केस में क्या करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे ट्रू। ओके, अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन था ट्रुथ वैल्यूज का, एक फॉल्स एक ट्रू है तो रिजल्ट आ गया फॉल्स, यहाँ पे ट्रू एक फॉल्स रिजल्ट आ गया फॉल्स। ओके, सो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड देयर टू द टेबल्स हमने डिस्कस की है। विद द हेल्प ऑफ दीज लॉजिकल कनेक्टिव्स
हम बहुत सारे प्रोपोजिशंस को कंबाइंड कर सकते हैं ओके, और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोपोजिशंस का बहुत ही वाइडली यूज होता है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सेटिस्फेबिलिटी, कंट्रडिक्शन, वैलिडिटी, लॉजिकल इक्विवेलेंस ओके। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं स्टेटमेंट्स की डिफाइंड हैं ऑन द बेसिक ऑफ दीज लॉजिकल कनेक्टिव्स ओके। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो था यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, आ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस द टू टर्म्स हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। फर्स्ट सेटिस्फेबिलिटी मीन्स आ स्टेटमेंट इज सेटिस्फेबल इफ देयर इज सम इंटरप्रिटेशन फॉर विच इट इज ट्रू ओके। नेक्स्ट कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मीन्स आ सेंटेंस इज कंट्राडिक्टरी और वी कैन से अनसेटिस्फेबल इफ देयर इज नो इंटरप्रिटेशन फॉर विच इट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं मैं आप एक स्टेटमेंट, मेरठ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ओके। नेक्स्ट वैलिडिटी, आ सेंटेंस इज वैलिड इफ इट इज ट्रू फॉर एवरी इंटरप्रिटेशन ओके। मीन्स सेंटेंस वैलिड कब होगा, अगर उसके जितने भी इंटरप्रिटेशन आए वो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए अगर ट्रू हो, क्लियर है। तो मीन्स अगर कोई हमें सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन है, हमें चेक करना कि वेदर दिस गिवन आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट। तो सिंपल है, उस स्टेटमेंट की हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करें। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट की वैल्यू है लास्ट कॉलम की, अगर सारी वैल्यू ट्रू आ रही हैं ओके, जो रिजल्टेंट सारी वैल्यू ट्रुथ वैल्यू जगह सारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड ओके। नेक्स्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स टू सेंटेंसेज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू अंडर एनी अंडर एवरी इंटरप्रिटेशन रिटर्न एज पी डबल इम्प्लाइज क्यू ओके। सो जितने भी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इनको हम ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं ओके। स्टूडेंट्स थैंक यू।